मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामी नारायण। आप सब अच्छे होंगे। हिंदी में हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ग्रामर में वचन बदल पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। इससे पहले मैं आज आपको थॉट बोलूंगी, सुविचार। हर छोटा बदलाव कामयाबी का एक हिस्सा होता है, मतलब परिवर्तन। यदि हम अपने आप में कुछ अच्छा सा बदलाव ले आए, समय के अनुसार चलें, अपनी प्लानिंग पहले ही कर ले, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। पर्यायवाची शब्द मतलब किसी भी शब्द के एक या दो या तीन नाम, है ना। मनुष्य के भी, हमारे भी, आपको मम्मी घर पे टिंकू निंकू खुद भी कहती है, दो तीन नाम होते हैं। वैसे ही हम वाक्य के अनुसार से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कहीं कहीं पे हम हवा कहते हैं, कहीं पे हम जब कविता लिखते हैं उसका बहुत अच्छा सा शब्द हवा हमें सरल लगता है, तो हम वहाँ पे समीर, है ना, समीर का प्रयोग कर सकते हैं। काव्य में, साहित्य में एक शब्द के दो या तीन नाम होते हैं, हर जगह उनका प्रयोग अलग अलग होता है। तो आइए आज आपको मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। पर्यायवाची शब्द का होता है एक ही अर्थ, मतलब अर्थ तो एक ही होंगे लेकिन उनके कई नाम होंगे। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते, अर्थ एक ही होगा, है ना, लेकिन नाम अलग अलग होंगे। आप अकेली नेहा होंगी लेकिन आपके घर में मम्मी बूटी भी कहती होंगी, पिंकी भी कहती होंगी, लेकिन आप रहेंगी नेहा। इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द का एक या दो तीन नाम होते हैं। तो पहला मैंने लिया है आँख। आपको पता है आँख को हम क्या क्या कह सकते हैं? आँख, आँख को हम और कहते हैं नयन और नेत्र। बच्चे बहुत ध्यान से देखना है और समझना है आपको। पहला है आँख, आँख के और दूसरे नाम है नयन और नेत्र। दूसरा है आग, जिसको हम अग्नि पावक भी कहते हैं, आग मतलब अग्नि और पावक। थर्ड है अंधेरा, अंधेरा को और क्या कहते हैं आपने सुना है? अंधेरा मतलब अंधकार और तम, तिमिर भी होता है ना। फिर फोर्थ है आनंद, हर्ष और खुशी। खुशी यदि आता है पर्यायवाची एग्जाम में, खुशी का पर्यायवाची लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? आनंद, हर्ष, उल्लास, उत्साह, उमंग, है ना। फिर पांच है आदमी। आदमी को इंसान भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, नर भी कहते हैं। फिर सिक्स है आकाश, नभ और गगन। अमृत, अमृत को हम बोलते हैं सुधा और सोम, सोमरस। शिव जी ने जब राक्षसों और देवताओं का समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी ने क्या पी लिया था? विष। और जो देवता थे वो अमृत पी गए थे, तो सोमरस, जिसको हम कहते हैं सोमरस। अमृत का दूसरा नाम है सुधा और सोम। काया मतलब शरीर, हमारा शरीर, जिसको तन और देह भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोना। सोना मतलब नींद में सोना नहीं, यहाँ पे सोना का मतलब है एक धातु, जिसको आप इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, वो है। तो सोना का दूसरा नाम है कंचन और स्वर्ण। फिर हवा, वायु, एयर, है ना, उसको क्या बोलेंगे? वायु और समीर। तो बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, परिभाषा एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आँख है, आँख को हम नयन और नेत्र भी कहते हैं। हवा को हम वायु और समीर भी कहेंगे, है ना। जल है, जल को हम क्या कहेंगे? नीर और पानी। आपको पता है कमल के फूल के भी कई सारे नाम हैं, पंकज, नीरज, है ना, जलज। तो आगे जो चैप्टर और मैं लूँगी उसमें हम उन शब्दों को लेंगे जो इस 10 शब्द में नहीं आए हैं। और मेरे ख्याल से व्याकरण एक ऐसा चीज़ है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। आशा है आज पर्यायवाची शब्द आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।